45 शव फिलहाल भारत पहुंचे हैं और हरक्यूलस विमान के जरिए इन शवों को भारत लाया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, बिहार के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल 45 भारतीय इसमें शामिल है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ सर, बहुत दुखद हादसा हुआ और जिस तरह से आगजनी हुई है, 45 भारतीयों की मौत हो गई, उसके बाद उन्हें शवों को भारत लाया गया है, लेकिन इस घटना पर गहनता से जांच होनी चाहिए। इस तरह से इंसानियत को कैसे आग की जद में झोंकने जैसी बात है, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई है। बहुत ही हृदय विदारक समाचार है। पूरा भारतवर्ष विगत 2 दिन से शोक में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय हैं, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, वो वहां जाके देश के लिए काम करते थे, मैं उनके परिवारों को अपना शोक संवेदना भेजता हूं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ऑलरेडी कुवैत के मंत्रालय के साथ संपर्क में है। अच्छी बात है कि कुवैत की सरकार ने भी पूरी तरह से भारत सरकार को हर तरह की पॉसिबल सपोर्ट दी है, जिसमें कि इन शवों को पहचानना, उनको हवाई यात्रा के लिए तैयार करना, और सबसे बड़ी बात है इसके बाद कुवैत की सरकार जो इंक्वायरी करेगी, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जो इंक्वायरी है वो भारत सरकार के साथ, हमारे विदेश मंत्रालय के साथ शेयर करेगी। यानी जैसे जैसे समय जाएगा, ये भारतीय जो हैं उनके आप्तियों को, उनके परिजनों को पता लगेगा कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। मैं सिर्फ आशा करता हूं कि कुवैत में जो हजारों लाखों भारतीय हैं वो वहां ध्यान से रहेंगे और यह चेष्टा करेंगे कि वो जिन आवासों में रह रहे हैं वो फायर सुविधा की तरफ से या फायर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हैं। इसके बाद एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूं कि हर भारतीय को, विदेश में जो भी काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, वो उनका चाहे घर हो या उनका ऑफिस हो, उनका एक उत्तरदायित्व बनता है कि जब वो किसी घर में हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो फायर एस्केप सिस्टम कैसा है इसकी जानकारी जरूर लें। जी,